कभी आपने सोचा है अगर एसी कोच ट्रेन में आप बैठे हो और उस एसी कोच का एसी ना चल रहा हो तो आपको कैसा लगेगा? आपके अंदर का जवार बाहर आ जाएगा और आप टीसी को देखते ही उस पर जोर से बरस पड़ेंगे और कहेंगे, भाई पैसे किस बात के ले रहे हो? जी हाँ, ऐसा ही करेंगे आप। ऐसा ही एक वाकया दिल्ली से दरभंगा जाने वाले फ्लाइट में हो गया। फ्लाइट की एसी ही बंद हो गई। जी हाँ, भारत महान देश है जहाँ मेट्रो के तार हिलने की वजह से मेट्रो लेट हो जाती है, आइसक्रीम में उंगली निकल सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। एक तो फ्लाइट दिल्ली से दरभंगा की, ऊपर से बिहार के लोग तो आप समझ ही गए होंगे। आगे क्या हुआ? जो होना था वही हुआ, यानी हंगामा। और खूब कोई किसी को गालियाँ दे रहा था तो कोई किसी को कह रहा था पैसा बर्बाद। लेकिन इतने में एक आंटी अपने पतिदेव से बोली, देखो रिंकिया के पापा, इतना गुस्सा ना हो। वैसे तो हर बार बिहार हम लटक के जाते हैं, लेकिन इस बार बैठने को तो मिला। जैसे तैसे कर फ्लाइट उड़ी, लेकिन लोगों का पारा हाई ही रहा। दूसरी ओर कुछ यात्रियों ने आरोप लगाया कि फ्लाइट में वादा तो शिमला मनाने का किया था, लेकिन यहाँ तो शामली वाली गर्मी हो गई। अब लेकिन इनको कौन बताए कि इतने पैसे में इतना ही होता है। वहीं स्पाइस जेट के प्रवक्ता के मुताबिक विमान का एसी सही तरीके से काम कर रहा था। दिल्ली में गर्मी ज्यादा थी और बोर्डिंग के समय विमान के दोनों दरवाजे खुले थे, इसकी वजह से कूलिंग थोड़ी कम थी। प्रवक्ता की बात सही है, घर की एसी जब लोग चालू करते हैं तो चार बार खिड़की और दरवाजे चेक करते हैं। इनको इतना नहीं पता कि दरवाजे खुले हैं, एक बार इनमें से कोई दरवाजे की तरफ भी देख लिया होता तो अच्छा रहता। मन ही मन प्रवक्ता यही सोच रहा होगा कि ये कौन लोग हैं जो कहां से आए हैं यहां। स्पाइसजेट के यात्रियों ने दावा किया कि दिल्ली से दरभंगा जा रही फ्लाइट में दिल्ली एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के दौरान काफ़ी समय तक विमान का कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। यात्रियों ने दावा किया कि लगभग एक घंटे के आसपास तक उन्हें विमान में बिना एसी के रहना पड़ा। यात्रियों की माने तो इस दौरान फ्लाइट के अंदर का तापमान 40 डिग्री के करीब था। जब फ्लाइट ने उड़ान भरी तब कहीं जाकर एसी चालू किया गया। अब इन सवार यात्रियों को कौन बताए कि दावे और वादे सिस्टम के आगे झूठे साबित कर दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ वादे तो हमारे देश के प्रधान सेवक ने भी किए थे लेकिन पूरे नहीं हुए। नहीं हुए पूरे, लेकिन उनके दावों में सारे वादे पूरे हो गए। कुछ लोगों ने बताया कि गर्मी का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि कुछ बुजुर्ग यात्रियों को परेशानी महसूस होने लगी। यात्रियों की माने तो बुजुर्ग और बच्चों की तबीयत इससे बिगड़ गई। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में बोर्डिंग के दौरान चरम मौसम की स्थिति और विमान के दोनों दरवाजे खुले होने की वजह से एयर कंडीशनिंग में शुरुआत में थोड़ी अक्षमता का अनुभव हुआ। स्पाइसजेट की ओर से ये कहा गया कि दिल्ली से दरभंगा की फ्लाइट की बोर्डिंग एयर रोबिस के माध्यम से नहीं थी। ऐसे में ग्राउंड में बोर्डिंग पूरी होने के बाद दरवाजे तुरंत बंद कर दिए गए और उसके बाद कूलिंग सामान्य रूप से काम करने लगी। अब यात्रियों को कौन बताए कि जिस देश का सिस्टम ही गलत तरीके से चल रहा है, वहां अगर फ्लाइट में एसी नहीं चला तो कौन सी बड़ी बात है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि किसकी बात मानी जाए, सेठ की, माफी स्पाइसजेट की, यात्रियों की बात? आप कमेंट कर बताएं कौन सही हो सकता है।